बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कौन सा सेकेंडरी कलर सीख रहे हैं हम? ऑरेंज कलर, यस। तो किस बच्चे ने घर जाके ऑरेंज कलर की चीजें ढूंढी और वर्कशीट में ऑरेंज कलर किया, और जितनी ऑरेंज कलर की एक्टिविटीज मैंने आपको सजेस्ट की थी किताब में, किस किस ने कम्प्लीट कर ली? और अगर किसी की रह गई है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आज आपके पास वक्त है, आज आप उसको कम्प्लीट कर लें। तो डियर टीचर्स, टुडे इज द सेकेंड डे। आज हम ऑरेंज कलर की रिकग्निशन के लिए एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, और रिकग्निशन के लिए जिस जिस बच्चे का जो काम रह गया है उसको कंप्लीट करवा लीजिए। आज मिस सदफ आपको एक छोटी सी वीडियो खुद भी दिखाएंगी जिस पे आपने अपना पूरा ध्यान रखना होगा, और मिस सदफ इसमें आपको अपनी चीजें भी दिखाएंगी जो उन्होंने एक्टिविटी की है और कैसे की है। तो डियर टीचर्स, बच्चों की तवज्जो स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली एक छोटी सी वीडियो क्लिप में कीजिए ताकि बच्चे रिकॉल भी कर लें और अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय भी करें। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। एक्टिविटी में क्या? द टेबल इज एम्प्टी। व्हाट डू यू सी? You can see a slice of orange जो हमने क्राफ्ट में बनाया था डे वन पे, and then you can see a tiny baby Play-Doh orange. What's next? The next is a mystery bag. Can you see it? It's a bag. और इसके अंदर कुछ चीजें हैं, अब आप इनको देखना है और बताना कि क्या क्या है। सो आई एम गोइंग टू टेक देम आउट वन बाय वन एंड यू हैव टू टेल इट टू योर टीचर कि आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो बताएं इसका कलर क्या है। ऑरेंज, शाबाश। सो आई एम गोइंग टू ओपन द मिस्ट्री बैग एंड सी व्हाट कम्स आउट। सो लेट्स सी, एंड यू जस्ट हैव टू नेम द ऑब्जेक्ट। सो आई एम गोइंग टू बी क्विक एंड यू हैव टू लुक एट द स्क्रीन। ऑलराइट, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इट्स अ पीस ऑफ अ ऑरेंज chart paper. Shabash. So I'm going to put it here on the table. Good. Now what is coming up next? What do you see now? It's an orange mug. Good. An orange highlighter. So I'm going to line them up here. I could also find some orange. What do you see here? Ice cream sticks. आप देख रहे हैं ऑरेंज के डिफरेंट कलर्स। एंड आई ऑल्सो मेड अ हैप्पी फेस, अ स्क्वेयर विच सेज ऑरेंज। सो ये भी ऑरेंज कलर का निकल आया इसमें से। और क्या है? आई फाउंड एन ऑरेंज बॉक्स ऑफ प्लेडो। आई कुड ऑल्सो फाइंड अ वाटर बॉटल, दैट इज ऑल्सो ऑरेंज। आई फाउंड orange paint, and I found a slice of painted orange, and in the end there's another tiny little mystery bag in this mystery bag, but that is not orange. ये तो और कलर का है, लेकिन इस मिस्ट्री बैग के अंदर एक छोटी सी मिस्ट्री सी चीज है। ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद आपने अपने बुक पे फोकस करके काम करना है। सो हु कैन टेल मी व्हाट इज दिस लिटिल मिस्ट्री ऑब्जेक्ट? Wow, it's a pair of glasses. Shabash. तो जिन बच्चों ने इन चीजों के नाम सही बताए उनके लिए clapping, and everybody else also participated, and that is wonderful. So dear teachers, बच्चों को इस तरह different objects सिखा के उनसे orange color की recognition करवा ले, and then we will be back for the activity में क्या? जी teachers, orange students को आपने देखा कि मिस सदफ ने कैसे बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके एक मिस्ट्री बैग में डाल दी, और फिर वो जब निकाली एक एक करके तो सबका ही कलर ऑरेंज था। तो टीचर्स, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको प्लान करनी चाहिए, बच्चों के लिए ये एक्साइटिंग एक्टिविटीज होती हैं। आप बच्चों से ही कहें कि अपने घरों से जो चीजें लेके आए हैं उनको एक पाउच में आप डाल लें और फिर एक एक करके बाहर निकालें। बच्चों के लिए टीचर के पास मैजिक होता है, और टीचर को वो मैजिक इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलिए, वीडियो देख ली, मुझे उम्मीद है कि टीचर्स आप ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों से जरूर करवाएंगी, और अगर नहीं करवा सकती तो ये वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मौजूद है, आप वो दिखा सकते हैं बच्चों को, और इस तरह बच्चों से कह सकते हैं कि खुद से एक मिस्ट्री बॉक्स बना के घर से ले आए
और फिर क्लास में उसको बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपने टॉयज को जो है वो एक्सप्लोर करें और एक्सप्लेन करें। तो इंडिविजुअल वर्क का टाइम हो गया बच्चों, किताब के सफ़े पे आपने जो एक्टिविटी दी गई है वो परफॉर्म करनी है। ये टीचर्स आई होप कि जिस तरह हम रोज़ाना नई एक्टिविटीज़ करते हैं, स्किल्स बच्चों की डेवलप करने की कोशिश करें हैं, यकीनन हमारे बच्चे क्रिएटिव थिंकर भी होंगे, लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्वर थिंकर भी होंगे, और जब सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तो बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स में डेवलप होंगे, जिसमें आपका और मेरा बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो वर्कशीट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इट्स अ फ्रूट ऑरेंज ऑरेंज, और सबसे अच्छी बात इसका जो कलर है वही इसका नाम है, जिसका नाम है वो इसका कलर है। और ऑरेंज कलर की पेंसिल की बजाय अगर आप ऑरेंज कलर बनाने वाले दोनों कलर्स को यूज करेंगे जो कि हमने क्लास में देखे और सीखे, तो यकीनन आप उसको इंजॉय भी करेंगे। सो डियर टीचर्स, बच्चों को लर्न करने दीजिए, कलर करने दीजिए, मिस्ट्री बैग वाली एक्टिविटी जरूर कीजिए, दे विल गोना लव इट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।